नमस्कार दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह दोस्तों मैं आज दिखाने वाला हूं मात्र साढ़े पांच फीट में आप किस तरीके से सीढ़ी बनवा सकते हैं वो भी फुल लेंथ सीढ़ी जिसकी चौड़ाई तीन फीट रखे गए दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इस तरीके का सीढ़ी मात्र साढ़े फीट में दोस्तों बनवा सकते हैं पूरी बनावट दिखाऊंगा दोस्तों वीडियो पे बने रहिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों क्योंकि आजकल जगह की कमी बढ़ती जा रही है दोस्तों और लोगों के लिए घर बनाना एक चुनौती से कम नहीं हो गया आज के डेट में अब दोस्तों आप यहां पे स्टेप काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार एक राइजर हमारा दोस्तों छ इंच का है चार स्टेप मिला करके दोस्तों चार राइजर मिला करके हमारे पास यहां तक पहुंचने में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक फीट और एक फीट यानी कि दो फीट चढ़ने के लिए दोस्तों हमारे पास कितनी जगह चाहिए तीन फीट चौड़ाई रखी गई है आप इसको अपने हिसाब से साढ़े तीन भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन तीन फीट एक, एक स्टैंडर्ड साइज होता है रेलिंग वगैरह लगाने के बाद भी दोस्तों आपको ऊपर जाने के लिए काफी स्पेसियस जगह प्रोवाइड होता है आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे कि ये ट्रेड जो है वो 10 इंच का है ये 10 इंच मान लीजिए ये 10 इंच मान लीजिए ये 10 इंच मतलब 30 इंच 30 इंच यहां पे हो गया और वहां पे दोस्तों 3 फीट यानी कि 36 इंच वहां पे हो गया मतलब यहां से जहां से सीरी स्टार्ट हुआ वहां से लेकर के वहां तक दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो आपको 66 इंच हो गया मतलब कि 5 फीट छे इंच यानी कि साढ़े पांच फीट दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक जगह है साढ़े पांच फीट और इतना ही में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे सीढ़ी बिल्कुल ऊपर की तरफ गया हुआ है चलिए मैं आपको ऊपर से भी काउंट करवाता हूं सबसे पहले मैं आपको ऊपर लिए चलता हूं और फिर दिखाऊंगा टोटल कितने स्टेप यहां पे बनाए गए हैं अब आप दोस्तों वहां तक मैंने काउंटिंग आपको करवा दी थी अब वहां से स्टार्ट करते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस यानी कि दोस्तों दस यहां पे ट्रेड है दस इंच का ठीक है मतलब कि सौ इंच यहां पे हो गए और यहां पे छत्तीस इंच हो गए और यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे भी छत्तीस इंच तीन तीन फीट का है यानी कि छत्तीस इंच यहां पे, छत्तीस इंच यहां पे, और पूरे दस ट्रेड यानी कि सौ इंच यहां पे हो गए हैं तो टोटल दोस्तों उस कॉर्नर से लेकर के यहां तक अगर काउंट करेंगे दोस्तों तो हमारे पास एक सौ बहत्तर इंच दोस्तों वहां से यहां पे जगह है उसको अगर फीट में अगर कन्वर्ट करते हैं दोस्तों इस कॉर्नर से दोस्तों यहां तक आने में चौदह फीट चार इंच का दोस्तों हमें स्पेस लगा है और उसके बाद अगर काउंटिंग करते हैं दोस्तों तो यहां पर देख सकते हैं एक दो तीन चार ट्रेड आपको लगे हैं मतलब कि यहां पे 40 इंच यहां पे लगा हुआ है अब दोस्तों अगर आप टोटल राइजर एक राइजर 6 इंच का है दोस्तों टोटल अगर काउंट करेंगे तो यहां पे 20 राइजर आपको मिलेंगे ठीक है और 20 राइजर मिला करके दोस्तों 10 फीट जो यहां से लेकर के और इस वाले छत की दोस्तों जो डिस्टेंस है 10 फीट की है, जिसको छ इंच की राइजर में दोस्तों पार्ट में डिवाइड किया गया है और आप देख सकते हैं सीढ़ी का बनावट किस तरीके से है दोस्तों यहां से देखेंगे तो यहां से स्टार्ट हुआ है और फिर दोस्तों कुछ इस तरीके से सीढ़ी हमारे छत तक दोस्तों पहुंच गया है तो काफी कम स्पेस में साढ़े पांच फीट का स्पेस दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं होता है सीढ़ी बनाने के लिए वो भी तब जब हमारे एक ट्रेड की जो लंबाई है दोस्तों वो तीन फीट रखी गई है मतलब कि काफी स्टैंडर्ड साइज देने के बाद भी काफी कम जगह में दोस्तों इस सीढ़ी का निर्माण करवा लिया गया है